आईपीएल से दूर शतक पर शतक जड़ रहे हैं पुजारा, सात समंदर पार बजाया अपने नाम का डंका। एक तरफ जहां पूरी दुनिया इंडियन प्रीमियर लीग के रोमांच में डूबा है, तो दूसरी ओर चेतेश्वर पुजारा सात समंदर पर अपनी फॉर्म की तलाश में जुटे हैं। प्रतिष्ठित काउंटी चैंपियनशिप क्रिकेट खेल रहे हैं और एक के बाद एक तीन शतक जड़ चुके हैं। भारत के अनुभवी टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में ससेक्स का प्रतिनिधित्व करते हुए शुक्रवार को यहां लगातार तीसरे मैच में शतक जड़ा। पुजारा ने 185 गेंदों में 120 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने इस दौरान अपनी नाबाद पारी में 15 चौका लगाए हैं। उनकी इस पारी से ससेक्स टीम की डरहम पर पहली पारी में बड़ी बढ़त लेने में कामयाब रही है। डरहम की पहली पारी के 223 रन के जवाब में ससेक्स ने 5 विकेट पर 350 रन बनाकर अब तक 127 रन की बढ़त ले ली है। भारतीय टीम में वापसी की राह देख रहे पुजारा का 5 पारियों में ये तीसरा शतक है। उन्होंने इस दौरान ससेक्स के साथ अपनी पदार्पण मैच में ही 6 और नाबाद 201 रन बनाए थे, जिसमें टीम ने डर्बीशायर के खिलाफ फॉलो ऑन मिलने के बाद मैच ड्रॉ कराया था। उन्होंने इसके बाद नेक्स्ट मैच में 109 और 12 रन की पारियां खेली थी। इस मैच में हालांकि उनकी टीम को 34 रन से हार का सामना करना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद भारतीय टीम से बाहर हुए पुजारा इस शानदार लय के कारण इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट श्रृंखला के आखिरी मैच के लिए टीम में वापसी कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्या चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया में लेना चाहिए प्लेइंग 11 में जो लास्ट मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, या श्रेयस अय्यर या सूर्य कुमार यादव की तरह नए यंगस्टर को मौका दिया गया था साउथ अफ्रीका सीरीज में, उनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए।